बच्चों आज हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। इसके पीछे हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में पढ़े थे, आज हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इस एनर्जी थ्योरम के अनुसार अकॉर्डिंग टू इट, इसके अनुसार क्या होता है, दी टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज बी रिमेन कंजर्व। ठीक है ना, किसी भी सिस्टम की जो एनर्जी होती है वह हमेशा संरक्षित रहती है, कंजर्व रहती है। अर्थात कहते हैं कि दी एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना, डिस्ट्रॉयड। इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म और फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, अर्थात एनर्जी न तो उत्पन्न की जा सकती है न उसको नष्ट किया जा सकता है, केवल उसे एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि हीट एनर्जी है तो उसे हम लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जैसे थर्मल पावर प्लांट है तो वहां हीट एनर्जी से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा करते हैं। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है तो देखिए उसे हम जो है डिफरेंट एनर्जी, जैसे मैकेनिकल वर्क में हम उसको कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो एनर्जी कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म, एनर्जी को हम हमेशा केवल ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जितनी भी चीजें इस नेचर में दिखाई दे रही हैं, सब के पास कुछ न कुछ एनर्जी निहित है। ठीक है, कुछ न कुछ एनर्जी निहित है, उस एनर्जी का ट्रांसफॉर्म करते हैं। जैसे मान लीजिए कि दो चीजों को हम टकराते हैं तो उसमें जो मैकेनिकल एनर्जी है वह मैकेनिकल एनर्जी साउंड और हीट में कन्वर्ट करती है। देखिए तो जो जैसे दो पत्थर को हम एक दूसरे से टकराएं तो यहां जो मैकेनिकल एनर्जी है वह मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई, आपको हीट यानी चिंगारी निकलती है और साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। उसी तरह देखें आप क्रैकर्स यूज करते हैं दीपावली के दिनों में तो उसमें जो केमिकल होते हैं दैट केमिकल प्रोसेस द एनर्जी, वह केमिकल एनर्जी आपको देखें तो किसमें, लाइट में, हीट में, साउंड में कन्वर्ट कर जाता है। ठीक है, तो टोटल एनर्जी जो उस केमिकल के अंदर जो टोटल एनर्जी नहीं थी, तो यदि हम साउंड एनर्जी को एक्युमुलेट करें, इकट्ठा करें, हीट एनर्जी को इकट्ठा करें, लाइट एनर्जी को इकट्ठा करें और यदि सबका हम सम कर लें तो उस केमिकल के अंदर जो टोटल एनर्जी है उसके बराबर होगा। यानी एनर्जी नष्ट नहीं होती, केवल उसका रूपांतरण होता है। तो आइए एक प्रूफ इसका हम देखते हैं, कैसे इसको प्रूफ कर सकते हैं कि द एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑलवेज रिमेन कंजर्व, इसकी एनर्जी हमेशा कैसे कंजर्व रहती है। सपोज दैट, मान लिया, प्रूफ हम देखें इसका, सपोज दैट ए बॉडी, ये कोई बॉडी है लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ द ग्राउंड
ऑफ मास एम, इसकी मास कितनी है, एम है, ठीक है। तो जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है, दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज वर्किंग एम जी, यह नीचे की ओर, यानी बॉडी का वेट भी नीचे की ओर काम करता है, बॉडी का वेट भी नीचे की ओर काम करता है और ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे की ओर काम करता है, यानी कि द ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बराबर होगा, वेट ऑफ द बॉडी के बराबर। तो सपोज दैट दिस इज ए बॉडी ऑफ मास एम लाइंग ऑन द ग्राउंड, तो इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड काम करेगा। अर्थ का जो पुल है, हम जानते हैं कि द फोर्स बाय विच द अर्थ पुल एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, यह फोर्स किसके बराबर होगा, वेट के बराबर होगा, ठीक है ना, इसके वेट के बराबर। वी नीड टू लिफ्ट दैट बॉडी, हम इस बॉडी को लिफ्ट करना चाहते हैं, तो वी लिफ्ट अ बॉडी अप टू हाइट एच, मान लिया कि इसे उठाकर हम यहां लेकर चले आए, ठीक है, इस बॉडी को उठाकर हम यहां लेकर चले आए, मान ली के ग्राउंड है ना ये है, हम इसको लेकर पॉइंट बी पर चले जाए, तो ए से बी की जो हाइट है, ठीक है, वह कितनी है, एच। तो हमें जो वर्क करना पड़ा, कितना वर्क करना पड़ा इसके अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, अब ये जो हाइट है एच, यहां से यहां तक जो हाइट है, ठीक है, ये जो हाइट है ए से बी तक जाने में, तो कितना वर्क करना पड़ा, तो जो वर्क करना पड़ा, जैसे वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एम जी इनटू एच, एच क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, दिस वर्क स्टोर एट दैट पॉइंट इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यानी पोटेंशियल एनर्जी पीई बराबर कितनी हो गई, एम जी एच। बॉडी इज लाइंग एट रेस्ट, बॉडी कहाँ है, रेस्ट पर है, तो इसकी जो है काइनेटिक एनर्जी यहां क्या हो गई, जीरो, ठीक है। तो देखें टोटल एनर्जी, जब बॉडी ग्राउंड पर थी तो टोटल एनर्जी यानी एच भी जीरो था, है ना, यू भी जीरो था, तब यहां पर है ना एट पॉइंट ए दी टोटल एनर्जी पीई प्लस के ई बराबर क्या था, जीरो था, तो हमको यहां से कोई मतलब नहीं, ठीक है, तो यहां जो टोटल एनर्जी क्या है, जीरो है, क्लियर। अब हमें बॉडी को जब यहां से उठाकर यहां लेकर आते हैं तो एट पॉइंट बी हमें देखना है, एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी, बी पर टोटल एनर्जी कितनी होगी, है ना, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी है ना टी बी, ठीक है, तो टोटल एनर्जी टी बी बराबर कितना, हम इसको ई बी से डिनोट करें, टोटल एनर्जी एट बी तो बराबर हो गया पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इसकी है एम जी एच, काइनेटिक एनर्जी है जीरो, तो पॉइंट बी पर यानी ई बी कितना हो गई, एम जी एच, यह टोटल एनर्जी हो गई एट पॉइंट बी, जब नीचे से उसको उठाकर ऊपर लेकर हम जाते हैं तो जो वर्क किया जाता है वह वर्क इसमें एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाती है, एट दिस पॉइंट बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी जो है किस रूप में है, रेस्ट में है, तो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। लेट द बॉडी फॉल, लेट द बॉडी फॉल, है ना, गिरने दिया, ठीक है ना,
बॉडी को नीचे की ओर फॉल डाउन, नीचे की ओर गिरने दो, फॉल डाउन। एट एनी इंस्टेंट द बॉडी इज एट सी, बॉडी कहाँ आ गई, सी पर। द बॉडी इज एट सी, बॉडी कहाँ है, सी पर, है ना। वेयर इट्स वेलोसिटी बराबर, जहां इसकी वेलोसिटी क्या है, जहां इसकी वेलोसिटी क्या है, भी है, ठीक है, वहां इसकी वेलोसिटी कितनी है, भी है। और जिस समय गिरना शुरू की थी उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, है ना। सपोज इट कवर ए डाउन वर्टिकल डिस्टेंस एच। अब यहां से यहां तक जो इसने डिस्टेंस तय की वह कितना है, एक्स। तो बॉडी की हाइट ग्राउंड से कितनी रह गई, एच माइनस एक्स, ठीक है। तो यूजिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज करते हैं, तो यू बराबर है जीरो, भी बराबर भी, है ना, जी बराबर ए बराबर हो गया जी, और एस बराबर हो गया एक्स, ठीक है। तो हम देखें वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर टू जी, है ना, एक्स, टू जी एस फॉर्मूला हम, टू ए एस फॉर्मूला हम यूज करें, तो ये हो गया वी स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर इक्वल टू टू जी एक्स, ठीक है। तो वी स्क्वायर क्या आया हमारा, वी स्क्वायर इक्वल टू टू जी एक्स, ठीक है ना, ये इक्वेशन सेकंड हो, ठीक है। तो अब जरा हम देखें, ध्यान से देखें, तो काइनेटिक एनर्जी एट सी कितना हो गया, 1/2 mv2। वी स्क्वायर हमारा क्या निकला है, 2gx, तो 1/2 m × 2gx, 2 कैंसिल हो गया, बराबर mgx। ये हमारा काइनेटिक एनर्जी है ना, ये हमारा काइनेटिक एनर्जी एट सी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी एट सी क्या होगी, अब ग्राउंड से हाइट कितनी है, एच माइनस एक्स, तो एम जी इंटू एच माइनस एक्स हो गया, एच माइनस एक्स हो गया। तब हम देखें अब हमारा क्या आया, इसलिए टोटल एनर्जी एट सी, सी पर टोटल एनर्जी क्या होगी, ध्यान से देखें, ई सी बराबर के ई प्लस पीई, यानी पोटेंशियल एनर्जी। तो के ई कितना आया, एम जी एक्स प्लस एम जी इंटू एच माइनस एक्स, ठीक है। अब देखें एम जी एक्स प्लस, यहां देखें एम जी एच माइनस एम जी एक्स, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, एम जी एच, यानी ई सी बराबर कितना हो गया, ये हमारा इक्वेशन तीन, ठीक है। तो हम देखें बी पर कितना था एनर्जी टोटल, एम जी एच, सी पर कितना एनर्जी आया, एम जी एच, ठीक है। अब इसी को अब हम कहें, व्हेन द बॉडी रीचेज टू द ग्राउंड, बॉडी रीचेज टू द ग्राउंड एट बी, एट ए,
है ना। ठीक है, एट ए व्हेन बॉडी रीचेज टू ग्राउंड, जब बॉडी ग्राउंड पर पहुंच जाती है तब इसने वर्टिकल हाइट कितनी कवर की, इट कवर डाउन वर्टिकल डिस्टेंस एच। ये अब कितनी टोटल हाइट कर, ये पूरा का पूरा डिस्टेंस इसने हाइट कर ली। ठीक है, जब ग्राउंड पर पहुंच, ठीक पहुंचने से, जस्ट व्हेन द बॉडी जस्ट रीचेज, व्हेन द बॉडी जस्ट रीचेज टू द ग्राउंड, ठीक है, when the body just reaches to the ground it cover, ठीक है, it cover down vertical distance h, तब भी क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी u था, फाइनल वेलोसिटी v है, तो u था जीरो, v निकाल दे तो v स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर इक्वल टू टू जी एच, यही हुआ, तो यानी v स्क्वायर बराबर टू जी एच, ये हमारा है। ठीक है, तो अब देखें काइनेटिक एनर्जी एट ए पर, काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, वन अपॉन टू एम वी स्क्वायर, तो वन अपॉन टू इंटू एम इंटू टू जी एच, टू टू कैंसिल हो गया बच्चों, तो क्या आया एम जी एच। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी एट ए ये कितना आएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए देखें तो हाइट तो जीरो हो गई ग्राउंड से, तब यह हो गया एम जी इंटू जीरो बराबर जीरो। ठीक है, इसलिए टोटल एनर्जी है ना, टोटल एनर्जी एट ए है ना, तो ई ए बराबर हो गया के ई प्लस पीई, तो ये हो गया बराबर एम जी एच प्लस जीरो बराबर एम जी एच, ये हमारा हो गया चार नंबर। अब देखें पहला, देखें वन टोटल एनर्जी एम जी एच, दूसरा देखें टोटल एनर्जी एम जी एच, फिर तीसरा देखें टोटल एनर्जी एम जी एच, यानी एनर्जी जो है हम देखें, पहले ये एनर्जी जब पोटेंशियल एनर्जी थी, काइनेटिक जीरो था, जब बॉडी गिरा तो वह जो है पोटेंशियल और काइनेटिक, यानी ये पार्ट ऑफ पोटेंशियल कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एंड द रेस्ट रिमेन इन द पोटेंशियल When just is reached to the ground, जब यह ग्राउंड पर जस्ट पहुंचता है उस समय टोटल पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट कर जाती है, केवल काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि पोटेंशियल जीरो हो गया, केवल काइनेटिक में कन्वर्ट कर, तो काइनेटिक भी हमारा आया कितना एम जी एच। ठीक है, When it heated, है ना, अब लास्ट हो गया तो आपका When the body heated the ground, जब यह ग्राउंड को हीट करता है उस समय यह किसमें कर, the total energy convert into sound energy एंड डिप्रेस द ग्राउंड, और ग्राउंड को डिप्रेस कर देता है, यानी मैकेनिकल में कन्वर्ट करके एंड
इक्वल एनर्जी। यानी कहने का अर्थ कि एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, ये किसी न किसी रूप में कन्वर्ट कर जाती है, साउंड एनर्जी में, हीट एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी में, यह जो है कन्वर्ट कर जाएगी, वह डिस्ट्रॉय नहीं होता है। तो दिस इज द प्रूफ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इन द नेक्स्ट टाइम जब हम लोग मिलेंगे, तब इस चैप्टर के एनसीईआरटी के कुछ है ना एक्सरसाइज सॉल्यूशन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। थैंक यू।